Thank you. Mr. Baraksha. Mr. Baraksha, please come on stage. Mr. Baraksha is from Lotus Group. Guys, you have to understand, the support of all these people is so important to get you a show like this. So please join your hands when they join us on the stage. Mr. Baraksha from Lotus Group, you know, housing partners. If I'm missing some sponsors, so I think I've got a sore throat. Please excuse me. So now, thank you all. Now let's continue with the stage performance. Javed, thank you very, very much. I know this. 83rd birthday and he's performing and he was enjoying his performance with you today. क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए एक बहुत historical moment था, बहुत ही ऐतिहासिक वक्त था कि जो मैंने उनके साथ में गुजारा और कभी सोचा नहीं था कि जब उनका म्यूज़िक सुनना शुरू किया, बिकॉज़ ये जो भी गाने मैंने गाए वो गाने जब हम पैदा नहीं हुए थे तब के गाने हैं. और एक तो रफ़ी साहब की आवाज़ उनके लिए, जो जिस तरह से एकदम ऐसा लगता था दो जिस्म एक जान हो, तो ये एक बहुत ही कमाल का मोमेंट था उनके साथ में स्टेज शेयर करना. बहुत ही हम सब दिल से उनको दुआ देंगे कि उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें बस. 83rd ईयर है और आज भी वो परफॉर्म करें. आई डोंट थिंक वी हर्ड ऑफ एनी आर्टिस्ट हु इज परफॉर्मिंग एट दिस एज आल्सो एंड सिंगिंग लाइव. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इस एज में लोग खड़े नहीं हो पाते और वो परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को. इससे बड़ा मोमेंट कोई नहीं हो सकता. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों की दुआएं, आपका आशीर्वाद जैसा हमेशा मुझ पर रहा है हमेशा रहे. और बस आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं की बदौलत हूँ, वरना मैं कुछ नहीं हूँ. बस थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इज़ अ ट्रू लेजेंड लिविंग विद अस टुडे. आप, यू बीइंग हिज डॉटर, व्हाट मेमोरीज डू यू हैव विद विश्वजीता? To be very honest, हम विश्वजीत जी से शायद 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, जब हमारे फादर का चौक बन रहा था लकी रेस्टोरेंट के सामने. तो वहाँ पे हम लोग ने प्रोग्राम किया था शाम के वक्त, एंड वहाँ पे ये थे और जितेंद्र जी थे और भी बाला सुब्रमण्यम वो भी थे. और बड़ा अच्छा लगा था, यू नो, ऑल दीज आर्टिस्ट हैड कम फॉर द प्रोग्राम. एंड बस इतने सालों में, आई थिंक इट वाज ओनली 4 इयर्स बैक दैट आई मेट हिम, एंड बड़ा अच्छा लगा. उनका कुछ प्रोग्राम भी था शायद साल भर पहले जुहू पे, तो वी हैड अटेंडेड ओवर देयर. और आज हम यहाँ पे हैं उनके साथ, यहाँ पे हमारे वालिद के लिए तो बहुत ज़्यादा, बहुत चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा. एंड टू बी ऑनेस्ट, यू नो, इन लोग इतने सिंसियर हैं, कहते हैं कि फादर की आवाज़ की वजह से भी जो उनको पॉपुलैरिटी मिली है इंडस्ट्री में, इट्स बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, माई फादर्स वॉइस. Which is your favorite song of your father? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन we all children, you know, all of us, we like Suhani Raat Dhal Chuki. That was your favorite. जी जी जी, हम सब बच्चों का. और अब्बा का भी वही पसंद था. और विश्वजीत जी का जो उन पे पिक्चराइज हुआ कोई गाना जो डैड ने गाया, किसके नाम? Your father had sung. कौन सा गाना विश्वजीत जी का जो आपके फादर ने गाया, आपका फेवरेट? ये जो है, जो गाते रहते वो हमेशा पुकारता. जी, पुकारता. थैंक यू सो मच. ही स्टिल परफॉर्मिंग लाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी. व्हाट डू यू हैव टू से? I think he's inspiring, he's inspirational, because I think most people in their life start thinking ki now I'm old, I did my film many years ago, people have, you know, he's reinvented himself. He was an actor, he was a, you know, star of his time, then he had a long gap, and he had the inherent talent of being a singer.
and till today he's been performing. And I think for an actor to reinvent himself is very important. So that is what Viswajit has done, shown the world that he's a never give up actor and a star. And his khazana, jise hum kehte hain, of music and songs is so vast that I think he can do amazing amount of shows with the treasury of music which he has amassed over the years. And it's always been a pleasure, and today I'm so glad to be part of his birthday celebrations. Thank you. We all have learned that from you, and you are an experience in yourself. Performed wonderfully well today. It was a delight to watch you. How does it feel on 83rd birthday celebrating life to the hilt? 80th birthday. बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 14 दिसंबर था एक्चुअली मेरा जन्मदिन. हॉल नहीं मिला था तो राजेश जी को, इसलिए उनको 19th को मिला था, तो सेलिब्रेशन 19th को कर रहे हैं. और आज हमें बहुत खुशी मिली क्योंकि इन्होंने जो मेहनत किया इस शो के पीछे, बेमिसाल विश्वजीत लाइव शो, उसके लिए मैं इनको बधाई दे रहा हूँ. ये बहुत मेहनत किया और वो मुझे आज हॉल में जो रिएक्शन देख रहा हूँ और लोग जितना पसंद कर रहे हैं देख के, मुझे भरोसा हो गया कि इन्होंने जो काम किया, जितना मेहनत किया, उसका फल इनको मिल गया आज. बेमिसाल तो थे ही, सिर्फ लोगों ने के सामने अभी अब दिख रहा है मेरा गला बैठा हुआ. आवाज़ आज बैठी हुई है तो मैं बोलता हूँ, ज़्यादा बात मत करना. इस शो के लिए इतना ज़्यादा बात किया, दिन भर बात करते रहे सबसे, स्पॉन्सर से, लोगों से, तो आवाज़ आज बैठ गई फाइनल डे में. तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, बेचारा इतना बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है लोगों को समझ भी नहीं रहा है, तकलीफ़ हो रही है. इन एनी केस सब कुछ अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग आए हैं, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, बहुत आर्टिस्ट भी आए और जिन्होंने प्रॉमिस किया था हम आएंगे. आप लोगों ने सुना जावेद अली का आज प्रीमियर है, फिर भी वो आया था दबंग थ्री का. और पूनम जी का आज तीन और प्रोग्राम है, उसके बावजूद भी वो आई. पद्मिनी कोल्हापुरी गाना गाया, रिहर्सल में भी आई थी. तो ये जो सिंसियरिटी जो होना चाहिए शो में, शो अकेला कोई हिट नहीं करा सकता, शो अकेला कोई किसी के ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, भले ही मेरे नाम से हो, लेकिन सारे टोटल जो इनका टीम है, इन लोगों ने काम किया. और हमारे जो म्यूजिकल ग्रुप है, सारे आर्टिस्ट हैं, सर्वेश मिश्रा, शिपाली, राजेश अय्यर, देन सारे आर्टिस्ट, इवन मेरी शैलेन है, देन मेरी बेटी भी डांस किया, तो पहले भी किया शो में. तो सब टोटलिटी में एक शो लोगों को अच्छा लगता है, तो ये मैं बिलीव करता हूँ. टोटल एक क्रिकेट मैच में भी एक आदमी अकेला खेलेगा तो जीत नहीं सकता, सारे प्लेयर्स अगर अच्छी तरह खेलेंगे तो ही जीत सकता है. तो मुझे लगता है आज ये जीत गया, मुझे जिता दिया इसने. Tollywood, I got very good music towards me. That is God's blessing, you know. तो मुझे सारे करियर में म्यूज़िक बहुत अच्छा मिला, वो सब म्यूज़िक आज भी लोगों ने याद रखा और उस म्यूज़िक से मेरी पहचान. मुझे जैसे मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे देख के दूर से पुकारता चला हूँ, मैं गाना शुरू करते हैं, कोई बेकरार करके हमें गाना शुरू करते हैं. तो ये बाला साहब 20 साल बाद बुला रहे, बाला साहब ठाकरे मुझे कभी विश्वजीत बोल के नहीं बोलते थे, हमेशा आओ 20 साल बाद, कैसे हो 20 साल बाद, यू नो. तो मेरी फिल्मों से, गानों से मेरी पहचान है. तो इतने सारे गाने हिट है, बताना मुश्किल है कि कौन सा गाना बेस्ट है. आई लव टू हियर म्यूज़िक, आज भी मैं गाना सुनता हूँ लेट नाइट तक. और ऑल पुराने गाने ऑफकोर्स, जो जिसे मैं कहता हूँ कि इमॉर्टल म्यूज़िक,
उसे जो कि 50-60 साल पुराने गाने भी आज लोग सुनना चाहते हैं, यही एक है जो हमारे ज़माने में गाना बन गया। दादा एक चीज़ लोगों को बताइए कि 50s और 60s के जो आर्टिस्ट है उसमें दादा अकेले आर्टिस्ट है जो स्टेज पे है, तो इसके पीछे राज क्या है? मैं अकेला नहीं, मैं स्टेज पे दिलीप किशोर कुमार जीनियस थे। किशोर कुमार गाना, एक्टिंग, डांस सब में नंबर वन थे। नहीं दादा, अभी अभी आप परफॉर्म कर रहे हो 50s और 60s में, आप अकेले एक आर्टिस्ट हो जो परफॉर्म कर रहे हैं, और कोई आर्टिस्ट अभी नहीं है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पीछे राज क्या है जरा बताइए। क्योंकि प्रैक्टिकली आई वॉज बॉर्न ऑन स्टेज, 8-9 साल से मैं स्टेज पर काम कर रहा हूँ, बंगाली स्टेज, देन प्रोफेशनल स्टेज, देन बचपन से ही मैं जितना भी दुर्गा पूजा हो, इधर फंक्शन हो रहा है, ये ना मोहल्ले का जो भी है, उस फंक्शन में लोग मुझे गाना गाने के लिए बुलाते थे। और गाना मुझे, म्यूज़िक इज़ माई पैशन, गाना कोई भी गाना हो, मैं अभी कलकत्ते में रशीद खान का गाना सुन के आया, मैं खड़ा होकर क्लैप दिया, बट आई एम नॉट ए क्लासिकल सिंगर, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने गाना किसी से सीखा नहीं, मैं गाना मुझे अच्छा लगता है, गाना मुझे इंस्पायर करता है म्यूज़िक, तो आज भी मैं लेट नाइट तक गाना सुनता हूँ, तलाश साहब का, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी, तो ये गाना सुनने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं मुझे लगता है ये गाना मुझे आगे ले जाएगा, एक अजीब सा फीलिंग होती है वो मैं बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्लेन। तो म्यूज़िक लोगों के सामने गाना इसका और एक मज़ा है, वो तो मैं जब छोटा था तब से मेरा अंदर घुस गया, तो गाना लोगों को सुना, ट्रूली हमारा काम है एंटरटेन करना लोगों को, हमारा जो काम है, जो प्रोफेशन है, वो है लोगों को एंटरटेन करना, तो कोशिश की मैंने कि अच्छा एंटरटेनर बनूं, कुछ भी करूं लोगों को या तो हंसाऊं या वो ताली बजाएं, या हमें उनको खुश करना है, हमें उनका स्माइलिंग फेस देखना है, यही हमने ट्राई किया, आज भी करते जा रहा हूं, आज भी हमें खुशी मिलती है, जब तक हमारा ऑडियंस खुश नहीं होते हमें भी खुशी नहीं मिलती, ये है। तो जितना दिन मैं रहूँगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना ऑडियंस को मैं अपना परिवार समझता हूँ, इस परिवार ने ही विश्वजीत को विश्वजीत बनाया, ये ऑडियंस जो है हमारे, वही हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए सब कुछ है, विश्वजीत को विश्वजीत बनाने वाला, ये किसी भी स्टार को बनाने वाला वही होते हैं, जो हमारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, हमारे साथ बैठना चाहते हैं, जो हमारे साथ हमारा दर्शन चाहते हैं, जो हमारे साथ चाहते हैं हमें, तो वही हमारा सब कुछ है। तो हम जब स्टेज पर आते हैं हमें लगता है कि ये सब हमारे परिवार है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, लंदन, अमेरिका, ये कहीं पे भी हमें लगता है ये हमारा परिवार है, क्योंकि विश्वजीत को प्यार जो करते हैं वो हमारे ऑडियंस घुसते हैं, नहीं तो वो घुसेंगे नहीं, ये लोग क्यों आए, इन्होंने तो इतना बड़ा बड़ा करके ओनली विश्वजीत दे दिया, फोटो दे दिया, नाम भी, तो सारे लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए घुसे हैं, इसलिए टिकट खरीदा, इसलिए आए, तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि उनको खुश करना, वो हमारे मेहमान हैं, और हम बड़ा भाई हैं या हमारा उनका फादर हैं इस परिवार का, तो हमें भी खुशी होती है एक व्यक्ति के, ये हमारा मकसद है, और जितना दिन जीता जिंदा रहूँगा मैं कोशिश करूँगा लोगों को आनंद देने के लिए। हमने बहुत बार किया, हमने USA में बहुत ऐसे कोई सेंटर, छोटी छोटी सेंटर में भी हमने प्रोग्राम किया, म्यूजिकल प्रोग्राम वेम्बले में किया लता जी के साथ, बर्मिंघम में आशा जी के साथ, तो कुवैत में किया सलमा का, ये सब पुनमोनम सब ये थी, सुरेश वाडेकर, बिग ग्रुप, देन शोज बहुत किया, वेस्ट इंडीज़ में 2 बार गया मैं, फारिस्ट में गया, सिंगापुर स्टेडियम में किया, कुआलालंपुर में किया, आम्स्टरडम में किया, तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया का हर जगह मैंने परफॉर्म किया, मुंबई में कम किया। So, है तो दिल में,
फिल्म का एक कीड़ा, फिल्म में जो रहता है वो फिल्म के जैसा, मछली पानी में अगर नहीं रहेगा तो ज़िंदा नहीं रहेगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। तो मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए फिल्म बनाना चाहता हूँ और फिल्मों में ही रहना चाहता हूँ, म्यूज़िक में ही रहना चाहता हूँ। मैं बोल देता हूँ, बहुत जल्दी कुछ प्लानिंग चल रही है, ऑलरेडी स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है, तो साल का बिगिनिंग में अनाउंस हो जाएगा और वो आप लोगों का बहुत परिचित है, बहुत ही नोन जो सब्जेक्ट है और जिसके लिए विश्वजीत बहुत फेमस है, उसी लाइन पे ही है मेरी बेटी को लॉन्च कर रही है, हम सभी मिलकर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पापा के बर्थडे पे मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके सॉन्ग पे परफॉर्म करूं और ये एक मेमोरेबल मेरे लिए मेमोरीज रह जाएगी, ताकि आगे मेरे जनरेशन जो मेरे आगे आएंगे उनको भी पता चले कि मैंने पापा के लिए परफॉर्म किया था। गिफ्ट या गिफ्ट आज हमारे लिए, बिकॉज दिस इज़ अ रियली मेमोरेबल थिंग। और हर, मुझे लगता है हर बच्चे को अपने, अगर उनके फादर कोई बहुत बड़े स्टार और लेजेंड हो तो उनको अपने पापा के या मम्मा के सॉन्ग पे करना ही चाहिए। Absolutely. So wish you all the best. Thank you so much. Thank you for